हेलो सिक्स क्लास, ये हमारी वीडियो नंबर 7 होगी. ओके, जिसमें हम अपना एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे. पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल. ठीक है, हमें रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है डेसिमल के फॉर्म में. ठीक है, रुपीज़ बनाना है, मतलब ये पैसे में है उसको रुपीज़ में बनाना है. ओके, और कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म, मतलब कि डेसिमल में बनाना है. ओके, आंसर आपका डेसिमल में आपको छोड़ना है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक या दो बताऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग क्वेश्चन खुद से लिखेंगे. ओके, मैं आपको ए पार्ट बताती हूँ पहले. क्या है बेटा? 5 पैसे. 5 पैसे. ओके, इसका आंसर देखिए ध्यान से. 5 पैसे है, हमें मालूम है 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं. देखो, हमें मालूम है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है. ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है. ठीक है, तो पैसे कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं 1 पैसे में, 1 पैसे में ये रुपये होंगे 1/100, रुपये का साइन है. ओके, 1/100 उल्टा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि छोटे से जब बड़ा बनाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े से छोटा बनाएंगे यानी कि रुपये बड़ा है, अगर पैसा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि रुपये में 100 पैसा, पर पैसे से रुपये में बना रहे हैं, बड़ा बड़े में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, 1/100. ओके, अब हमें बनाना है 5 पैसा. ठीक है, तो 5 पैसे कितने के बराबर होंगे, आप देखते हैं आंसर. 5 पैसे, ठीक है, 1 रुपये में इतना है, तो 5 रुपये में कितना होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. तो आपका आंसर, सॉरी, ये 100 है. ओके, आपका आंसर आ जाएगा, ये 100 है. 5 1 5, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते. ओके, जिसके नीचे कुछ ना हो तो आप 1 लगा सकते हैं, और 100 1 100 होगा. ओके, समझ में, ऊपर को ऊपर वाले से 5 1 5, नीचे कुछ है नहीं तो 100 का 100 आ जाएगा, और वैसे भी कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 100 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा. अच्छा, हमने डेसिमल में बनाना सीखा है कि 5/100 है, या तो आप ऐसे चेक कर लो 5 को 100 से डिवाइड करके, ठीक है, पॉइंट वाले डिवाइड से, या तो ऐसे करो. देखो, 5 है, ऊपर जो है वो चीज़ लिख लो, इसको कट करके मुझे आंसर लिखना है ना, जो ऊपर है वो लिख लो. अभी देखो, 1 के साथ कितने 0 है, 1 2 2 0 है, तो हमें भी 2 डिजिट का पॉइंट लगाना है. 1 डिजिट ये रहा, 1 डिजिट नहीं है तो 1 डिजिट के बदले 0 लगा दो, अब पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के आगे 0 लगाना ही पड़ता है, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 पैसे. समझ में आ गया क्वेश्चन, हमने क्या क्या 100 से, आप एक्सरसाइज 1 में सीखा है 8.2 8.3 में कि ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बनाते हैं. 1 के साथ देख लो कितना 0 है, और ऊपर वाली डिजिट में उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, अगर डिजिट कम पड़े तो 0 लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 1 था, हमें लगाना था 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 0 बना दिया, मतलब कि 1 डिजिट कम पड़ा था उसके बदले हमने 0 लगा दिया. ओके, एक डी पार्ट देखते हैं, डी आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो. क्या है? 50 रुपीज़ 90 पैसे. अब देखो, हमें रुपीस में बदलना है ना बेटी, ये देखो, ये तो 50 है ही, ये तो ऑलरेडी 50 में ही है, रुपीस में ही है ना, ये जब रुपीस में ही है, रुपीस, ओके, ये रुपीस में ही है, ये पैसे में बदलना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, सॉरी, ये तो रुपीस में ही है, इसको चेंज करेंगे बस. ठीक है, आगे समझ में, क्या करेंगे हम, सिर्फ इसको चेंज करेंगे और किसी को चेंज नहीं करेंगे. अब ध्यान से देखते जाओ, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 50 रुपीज़ है ना, हमें मालूम है 1 पैसे इज इक्वल टू, ये लाइन तो आपको लिखना ही है, रुपी होता है 1/100 रुपी, अगर पैसे से 100 रुपी में बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, देखो, ये तो रुपीज़ है ही, 50 रुपीज़ बदलना था, ये 50 रुपीज़ ही है, प्लस ये 90 है, अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दो, रुपये में बदलना है, 100 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो अब ये देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.9, तो यानी कि ये 50 रुपीज़, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 1 0 है ना, 1 0 है, तो यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि ये 0 से ये 0 तो कट गया, 0.9, यानी कि अब जब 50 में ऐड करेंगे क्या, 0.9 ऐड करेंगे. ठीक है, तो आपका आ जाएगा 50.9, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 50.9. ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद अब ये भी रुपीस में बदल गया, अब ये भी रुपीस दोनों को ऐड कर दो, 50 क्या आ जाएगा, 50.9 रुपीस. ठीक है, और अगर सिंबल से बनाना है तो ऐसे 50.9 ऐसे लिख सकते हैं. समझ में आ गया,
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, हमने क्या किया, ये तो ऑलरेडी था ही, तो इसको तो नहीं छेड़ा हमने, हमने इसको रहने दिया, ठीक है, इसको हमने टच नहीं किया, जैसा था वैसा रहने दिया। हमने 90 को बदला रुपी में, तो जब रुपी में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना था, 0 से 0 कटा, 0.9 आया, तो 50 में 0.9 ऐड कर दिया, तो 50 में 0.9 ऐड करेंगे तो 50.9 आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेसेस मीटर यूजिंग डेसिमल, हमें मीटर में बदलना है, ठीक है। तो इसमें भी हम 2 पॉइंट करेंगे और बाकी से का खुद से आप लोग करेंगे, ठीक है, जो भी पार्ट। इसमें भी 15 सेंटीमीटर है। ओके, आंसर देखते हैं फटाफट से। 50 सेंटीमीटर हमें मालूम है कि सेंटीमीटर में, हमें बदलना है मीटर में, तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो 15 से बदलना है, तो यानी कि हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 15 को मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 से, है ना। तो 15 हो जाएगा, ये 100 का 100 हो जाएगा जब आप इसको कट करेंगे। ओके, तो 2 डिजिट है, ठीक है, तो ऊपर जो नंबर है वो लिख दो, 1 के साथ कितने 0, 2 0, यानी कि हमें 2 डिजिट का पॉइंट लगाना, 1 2 डिजिट का पॉइंट लगा दिया। अगर कोई नंबर कम पड़ रहा होता तो हम अपने आप से 0 लगा लेते आगे पीछे करके, ठीक है, पर ये जितने नंबर चाहिए थे उतने ही नंबर है। और आंसर किस में आ जाएगा बच्चे, आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, आपको एम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को किस में बदल दिया, मीटर में, ठीक है। सिंपल फॉर्म में अगर समझो तो यानी कि 100 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। ओके, दूसरा सी करेंगे। ओके, सी में क्योंकि दोनों एस बी बी ए सारे इजी हैं, सी करते हैं, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो मीटर में ही है, ये मीटर में हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हमें पहले ये लिखना है, इक्वल टू 100 मीटर। ओके, ये हमने लिख दिया। ओके, ये तो मीटर में ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो तब ये जाके मीटर में बदलेगा, तब जाके ये मीटर में बदलेगा, ये 2 मीटर है ही, ठीक है। अब देखो 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा अगर इसको कट करेंगे, तो इधर 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा और ये मीटर, तो अब जब 2.2 में 0.45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.45 मीटर, आंसर आपका ये हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा। अब इसमें आपका डी पार्ट, ई पार्ट, पी पार्ट, जो भी पार्ट बच गया वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। हमें मालूम है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10, ठीक है, तो हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो हम आंसर करेंगे इसमें, ए है हमारा, ए पॉइंट करते हैं, ठीक है, 6 mm है। ओके, हमें मालूम है आंसर में कि 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको चेंज करना है, तो अब चेंज करना है हमें इसको, ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, 0 से 10 से, ठीक है। अब देखो 1 के साथ कितने 0 हैं, 1 0 है, तो जब इसका आंसर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6 के बाद, एक ही डिजिट का पॉइंट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा किसमें, हमें किसमें बदलना था, सेंटीमीटर में, तो 0.6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, एक डी देख लेते हैं, डी में क्या है, डी में है 9 सेंटीमीटर, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें सेंटीमीटर बदलना है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, हमें बस इसको चेंज करना है और 9 को उसमें ऐड कर देंगे बस। तो यानी कि आंसर में हमें पहले ये लिख लेते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब आंसर में इसको चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, प्लस इसको चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से, और हमें मालूम है कि 10 से एक वन के साथ कितने 0, 1 0, यानी कि डिवाइड जब हम करेंगे ना, जब आप डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर ना 0.8 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट, 1 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 9 में 0.8 ऐड करेंगे, 9 है और 0.8 है, ठीक है, पॉइंट को हमने क्या किया, एक जगह पे बनाया, ठीक है, पॉइंट से इधर वाले नंबर, तो 9.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ये 9.8 है बच्चे। ओके, 9.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेसेस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, किलोमीटर वाला बच्चे, ठीक है, हमें मालूम है 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, ये हमें मालूम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ए 8 मीटर है, ठीक है, हमें चेंज करना है किलोमीटर में, पहले हम आंसर में लिखते हैं कि हमें मालूम है, देखो
हमेशा क्या याद रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पर हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में, अगर मीटर से बदलना होता ना, अगर किलोमीटर में क्वेश्चन होता, मीटर में बदलना होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, पर हमें छोटे से बड़ा बनाना है, किलोमीटर बनाना है, तो यानी कि हम डिवाइड करेंगे, ओके। तो हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कर दीजिए, 8 है, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1000 से, ठीक है, तब जाके ये किलोमीटर में बदलेगा। अब देखो डिवाइड करने का इजी तरीका मैंने आपको बता रखा है, 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, पहले ऊपर जो है वो लिख लो, ठीक है। अब कितने जीरो हैं वन के साथ, 1 के साथ 0, 1, 2, 3, तो हमें भी 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस 1 के साथ होनी चाहिए जितने भी जीरो, अगर डिजिट कम पड़ जाए तो अपने आप से आगे की तरफ जीरो लगाना, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ जीरो लगाकर आपका आंसर आ जाएगा, ओके बच्चे। तो और किलोमीटर लगाना मत भूलना, ये जो साइन है ये नहीं, क्योंकि हमने मीटर से किस में बदला है, किलोमीटर में, तो ये साइन लगाना जरूरी हो जाता है, ओके। अब करते हैं एक डी पार्ट, डी पार्ट क्या हमारा 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर, ओके। इसको तो किलोमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में, पहले लाइन लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक। इसको तो बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 70 किलोमीटर ही है, हमें चेंज करना है इस 5 मीटर को। अब हमें मालूम है मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये किलोमीटर में बदलेगा, ओके। तो आप देखो ये 70 किलोमीटर ही रहेगा, ओके। आप देखो ये 5 है, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 है, 3 डिजिट का पॉइंट, ये ऊपर यही है 2, 3, 3 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तब जाके चेंज होगा। देखो अब 70 है, 70.005 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ओके। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हर में मतलब कि एक एक वैल्यू है जिस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है, किसी में हमने 1 में डिवाइड किया हमने 100 से, ठीक है, इसमें हमने डिवाइड किया 100 से, इसमें भी हमने डिवाइड किया 100 से, ठीक है, फिर हमने मिलीमीटर में 10 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो फिर उल्टा डिवाइड करना पड़ गया था, ठीक है। और फिर ऐसे किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से, क्या एक्सप्रेस एस की केजी मतलब किलोग्राम यूजिंग डेसिमल, ठीक है, ए पॉइंट है हमारा 5 ग्राम, ओके। तो आंसर है, देखो पहले हमें मालूम है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा, 1000 ग्राम्स होते हैं, पर हमें ग्राम में तो बदलना नहीं, जो मल्टीप्लाई करेंगे हम उल्टा करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg, यानी कि हमें अगर ग्राम को kg में बदलना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 ऊपर है, 1000 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो अब डिवाइड करने का आसान तरीका मैंने बता रखा है, ऊपर जो नंबर है वो लिख लो, लिख लिया, 3 जीरो है, तो 1, 2, 3 पॉइंट लगा दिया जीरो, तो ये केजी में आंसर आपका आ गया, ओके। इसमें एक और डिफिकल्ट पार्ट देखते हैं, हम देखते हैं आप ई देख लेते हैं, ठीक है। ई में क्या है, 27 kg एंड 50 ग्राम, 27 kg एंड 50 ग्राम्स। अब देखो हमें पहले जो चीज़ हमें मालूम है वो लिख लेते हैं, पहले हमें मालूम है 1 gram is equal to 1000 kg, ओके। ये हमें जब मालूम है तो अब देखो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है केजी में, क्योंकि ऑलरेडी केजी में है, केजी में इसको बदलना पड़ेगा, तो जो भी आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्लस 50 है, अब हमें 50 kg को 50 ग्राम को केजी में बदलना है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना है, 1000 से, और इसको तो केजी में बदलेंगे तो यही का यही आएगा, ठीक है। तो इसको केजी में बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, पर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो तब ये जाके केजी में बदलेगा, तो ये 27 kg प्लस ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब बचा है ऊपर 5 और नीचे बचे हैं 2 जीरो, तो हमें 2 डिजिट का पॉइंट लगाना पड़ेगा, पर इधर तो एक ही दिख रहा है, इसको 2 बनाने के लिए लगा देंगे 1 जीरो, फिर पॉइंट लगाकर ग्राम, तो आंसर आ जाएगा 27.05 केजी, ओके, केजी आंसर आपका
आ जाएगा. ओके, तो नीट एंड क्लीन आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.4 आपका फिनिश हो चुका है. जो भी पार्ट बच गए हैं, जो मैंने पार्ट कराए हैं, वो सारा आपको नीट एंड क्लीन नोट में एज इट इज. ऐसे शॉर्टकट मत कर लेना, जैसे मैंने स्टेप वाइज स्टेप सिखाया है उसी स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है. ये दो वाले आपको आई होप समझ में आ गया होगा. जो चीज़ है वैसे ही रहने देना, जिसको बदलना है उसको बदल कर उसमें ऐड कर देना. जैसे ये 27th इसको रहने दिया, इसको बस सिर्फ बदला और उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन आपके नोटबुक में करेंगे, एक्सरसाइज 8.4.